कोई स्त्री रोते हुए इस ओर आ रही है। यहाँ भी रावण की कोई चाल हो सकती है। प्रभु शरण में तुम्हारे आई, दीजिए हर शीश, तीन लोक के हर्ता करता शरण तिहारी आई हूँ। मेरे पति का शीश दे दो, मांग वचन में सास से आई। शीश पिया का लेने आई, कहकर कथा बुझाई। कार्य नहीं है योग्य ससुर का, जो मुझे आज यह दिन दिखलाए। हे देवी, केवल इतनी सी बात के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया? यदि वहीं से किसी के द्वारा संदेश भेज देती तो मैं तुम्हारे पति का शीश वहीं पहुंचा देता। मैं प्रभु, हाँ मैं आज की पत्ती मारी हूँ, मैं दुख की हाथ सताई हूँ, मैं सिर नीचे किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। मेरा प्रेम पति के चरणों में ही हो, यदि मैंने सपनों में भी पर पुरुष का स्मरण किया हो, इसलिए यह सिर अवश्य हंसेगा। सब कल्पस छूटता है, तुम ऊंचे पद पर सुशोभित हो, इसलिए मेरा सिर झुकता है। हे लक्ष्मण, इनके पति का शीश इन्हें दे दो और अपने दर्शन भी इन्हें करा दो।
युवराज सुग्रीव, सभी सेना संग्राम करते करते थक चुके हैं, इस हेतु हनुमान जी को रक्षक नियुक्त करके सभी लोग विश्राम कीजिए। मैदाने कहाँ चले गए? क्या कोई रात्रि के समय यहाँ? हाँ, विभीषण रात्रि में संध्या बंधन से कुछ देर में आए थे। नहीं पवन पुत्र, मैं रात्रि में कहीं नहीं गया। आपको जरूर ही भ्रम हुआ है। विभीषण जी, आपका भेष बनाकर कौन आ सकता है? हे वायुपुत्र, मेरा भेष तो केवल अहिरावण ही बना सकता है। अत्यंत वो पाताल लोक में रहता है। हे अंगद, हे बलवीर, सुनो, सब कुछ बस मैंने जान लिया। अहिरावण यहाँ आया होगा और हमें धोखा दे गया। अब चाहिए कोई हिम्मत वाला। सावधान, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। मेरा तो धर्म सदा से ही है, स्वामी का पता लगाता हूँ। आज नगर का पहरा बड़ी चतुराई से देना। कोई मेरे नगर में प्रवेश ना करे, समझा? समझा महाराज। आप निश्चित रहिए, मेरे होते हुए हम परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है, भगत दिल को थाम दिया। वक्त नहीं है इज्जत का, है छेड़छाड़ में छिपाए हुए। क्या वक्त नहीं है हैरत का, जिसका तू बेटा कहता है उसका पूरा नाम बता। पता बता उस सूरवीर का, उसको उसका काम बता। वीर आलोकमंच की माता, मेरी महासमुद्र अदालत में था। पिता रण मापुरा बहो निमित्त ही रामचरण का सेवक था। माता तो मेरी जन्म देते ही मर गई, पर पिता की खबर नहीं है मुझे। भय जिंदा है या मर चुके हैं, जरा मुझे भी बता दो। तब तो वहां
शास्त्री पिताजी आपके यहां इस प्रकार आने का क्या कारण है? अच्छा इस वक्त नहीं आओ हम मुझसे युद्ध करो समझो मैं शत्रु तुम्हारा हूं। Cause it's not sick.
अपने बल को दिखाने को। अब हमें रघुवंशी कहलाने का हाँ जी दीदी यहाँ अवसर है, वरना यह आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी अगर एक भी चमकी राम तो प्राणों पर आ जाएगी। लंकापति, यहाँ तुम्हारी व्यर्थ की धमकी है। रघुवंशी अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है? आओ और युद्ध करो। चिराज, हे वीरो, अभी जाकर रावण के यज्ञ को खंडित करो। और लखन के साथ युद्ध में दोनों मारे गए हैं और मैं उन पर विजय प्राप्त कराया हूं। हाय हाय, यह कैसी सूचना सुनने को मिल रही है? देव, मैं आज यह क्या सुन रही हूँ? सबके वाक्य झूठे हो गए। राक्षस, तूने यह क्या किया? मेरे प्राणनाथ को मार डाला। हे नाथ, वानरों ने अंतापुर में स्त्रियों की दुर्दशा कर दी है। अच्छा, कई बार रानी मंदोदरी के महल में घुस आए हैं। ठीक है, मैं स्वयं चलकर देखता हूँ। अगर यह मेरी बात ना माने तो इसे इतना सताओ, इतना दुख दो कि अपनी मौत मांगने लगे। तुम्ही सेज होगी मेरी, सदगति मेरी दुल्हन होगी। मंदोदरी, ईश्वर में मान कर क्यों बातें करती है? वे स्वयं पधारे मेरे हित, यह महिमा है मेरे बल की। आज संसार से महान राजनीतिज्ञ जा रहा है, इसलिए तुम रावण के पास जाकर लंकेश, हे नाथ, यह तो मौन है, न
बहुत प्रयत्न किया परंतु यह कुछ भी ना बोला। लक्ष्मण उपदेश लेने का यह सही तरीका तुमने कहां से सीखा? मेरे विचार से तुमने रावण के सिर की ओर खड़े होकर पूछने का प्रयत्न किया होगा। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी और पंडित है, इसलिए पुनः जाकर पैरों की ओर खड़े होकर पूछना। जो आज्ञा भ्राते। शुभ कार्य शीघ्र करना अचना, दुष्कर्म जितना टले उतना अच्छा। मैं भी सोचता था कि शिव सागर को लंका ले आ, स्वर्ग तक जाने का मार्ग बनाओ। हाँ, परंतु आज कहते टल गया और मुझसे यह कर्तव्य रह गया। मन ही मन में कामना रह गई है, अपूर्ण योजना रह गई है। परिणाम उसी का यह पाया है, चल दिया आज मैं दुनिया से। राम अपने जीते जी तुम्हें लंका में न जाने दिया, जा रहा तुम्हारे धाम में। आगे ही देखो मैं धाम तुम्हारे जाता हूं। राम राम राम। आ आ आ, आ।